हेलो फ्रेंड्स, आई एम यश भूते। आज आपको हम पिस्टन के बारे में बताएंगे और पिस्टन कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको समझाएंगे कि क्या पिस्टन का वर्किंग प्रिंसिपल रहता है और कैसा पिस्टन वर्क करता है इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहे और आप बने रहेंगे आपको, क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और कोई भी वीडियो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फुल डिटेल इसी वीडियो में है। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को डिटेल में देखें और समझें कि कैसे हम आपको पिस्टन के बारे में बता। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रेगुलर अपडेट देखते रहे और आपको जो नए वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन पहले मिलेंगी और ज़रूर आप इसको वॉच कीजिएगा। जो आपने गाड़ियों में पिस्टन रहता है वो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका कैसा वर्किंग प्रिंसिपल होगा, कैसा इसका वर्क होगा, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे। जैसे पिस्टन का क्या वर्क रहता है और क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। जो पिस्टन रहता है मेनली एक प्रकार का सिलेंडर रहता है। सिलेंडर मतलब वो घरों में यूज़ करते हैं वो सिलेंडर नहीं, ये जो सिलेंडर रहता है ये बहुत ही यूनिक एंड एडवांस रहता है, इसके बारे में अभी हम सोचेंगे। अगर हम पिस्टन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो पिस्टन एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन सिलेंडर से लगा रहता है तथा TDC से और DCC से गति प्राप्त करता है, जिसका इंजन के चारों स्ट्रोक। देखिए, जो सिलेंडर लगा हुआ रहता है मेनली वो इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। इंजन शाफ्ट को घुमाने का काम पिस्टन करता है, लेकिन जो पिस्टन को घुमाने का काम उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म रहता है वो घुमाता है। जनरली जो स्पार्क प्लग रहता है वहाँ पे बड़ा सा स्पार्क प्रोड्यूस करता है और उसके वजह से पिस्टन नीचे आ जाता है। नीचे आने के कारण वो रोटेट करना शुरू कर देता है और रोटेट करने के कारण अपना शाफ्ट घूमने पड़ता है और उससे ही अपने को पावर प्रोड्यूस होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में। जो अपना पिस्टन रहता है, पिस्टन के ऊपर के भाग के नीचे यानी ग्रोव कट लगे हुए रहते हैं, जो मतलब थ्रेडिंग के टाइप में हुए लगे रहते हैं, उसको ग्रोव कट कहा जाता है। जो पिस्टन एंड सिलेंडर रहता है उसकी गैपिंग करने के लिए ये थ्रेड लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मूव होने के लिए ये गैप बनाए जाते हैं। इसको अपन रिंग भी बोल सकते हैं पिस्टन के। भी हम पिस्टन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। जो पिस्टन के ऊपर के भाग के नीचे यानी ग्रूव कट होते हैं, पिस्टन और सिलेंडर के बीच की दूरी कम करने के लिए इन चीज़ों का पिस्टन रिंग फिट किए जाते हैं। पिस्टन के बीच में RF छेद होते, पिन फंसाकर उसका सहायता से पिस्टन को कंडीशनर रॉड से जोड़ा जाता है। वही पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम रखा जाता है, क्योंकि पिस्टन के गर्म होने के पर धातु फैल जाता है जिसकी पिस्टन सिलेंडर में जाम हो सकता है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच को दूरी को पिस्टन शाफ्ट कहा जाता है। इसी तरह अपना पिस्टन वर्क करता है और इसी तरह पिस्टन का वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। जनरली जो पिस्टन रहता है मेनली इंजन से कनेक्टेड रहता है।